अक्सर हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कभी हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है, राइट। और कभी कभी हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, और कभी कभी एकदम तेज अच्छी पढ़ाई होती है, राइट। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। इस चीज का अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो, आखिर तक देखो, वीडियो को लाइक करना और जरूर अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। अक्सर इस चीज को मैं अपने लाइफ की बहुत एक बढ़िया से इंसिडेंट्स और स्टोरी के साथ शेयर करता हूँ, जो आप है ना, काफी सारे लोग इस इंसिडेंट्स को डेली देखते हो। पता है वो इंसिडेंट्स क्या है? रोड पे चलना, राइट। आपने कभी कभी रोड पे कभी गाड़ी चलाई होगी, राइट, बिल्कुल चलाई होगी, राइट। तो जब आप रोड पे गाड़ियों चलाते हैं तो अलग अलग प्रकार की गाड़ी होती है, कोई स्कूटी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई बुलडोजर चला रहा है, कोई बैलबंडी चला रहा है, राइट। अलग अलग प्रकार की गाड़ियां रहती है, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। बट एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा कि हर एक गाड़ियों की स्पीड एक तरीके की नहीं होती, हर एक गाड़ियों की स्पीड एक तरीके की नहीं होती। कोई एकदम ही तेज चलाएगा, कोई धीरे चलाएगा, कोई एवरेज स्पीड पे चलाएगा। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जो भी गाड़ियां होती है ना, वो कभी खड़ी नहीं होती। मतलब ऐसे थोड़ी रहेगा कि बीच रास्ते में रोक के खड़ी हो गई, राइट। आप क्या कर रहे हो पता है? अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक के बैठ गए हो और ये बोल रहे हो कि भैया मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचोगे गाड़ी खड़ी रहेगी तो? उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई है भाई। जब आप बोल रहे हो कि मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है आपको पता है अच्छे से? अगर आपने नहीं लिखा है अपने स्टडी टेबल के सामने तो अभी जाके लिखो, राइट। अगर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है, तो आपको अपनी गाड़ी रोक के नहीं रखना है, गाड़ी को चलते रहना है, राइट। लोग कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं होता है भाई। ओनली द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू वांट टू विन अ रेस इज दैट यू शुड कंसिस्टेंटली रन। कछुआ इसलिए नहीं जीता था क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था, कछुआ इसलिए जीता था क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, क्योंकि वो रुका नहीं। उसी प्रकार से अगर आप अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक के बैठ जाओगे और बोलोगे कि मैं पहुंच जाऊंगा तो नहीं पहुंचोगे, अपनी गाड़ी को रोक के बैठ जाओगे और देखोगे कि यार ये बहुत तेज चला रहा है, मैं तो धीरे चला रहा हूं, तो भैया उसका एक्सीडेंट, उसके चक्कर में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक चीज समझ रही है, राइट। अगर आप सोचोगे कि गाड़ी ठीक है यार मैं बहुत धीरे चलाता हूं, तो दूसरों को देख के अगर आप अपनी पढ़ाई धीरे कर रहे हो तो ये भी आप गलत कर रहे हो, राइट। अगर आप स्कूटी चला रहे हो और बोलोगे कि नहीं यार मैं पैदल चलता हूं, बात ही फिर क्या रही भाई। अगर आप जिस चीज से चल रहे हो, जिस स्पीड से चल रहे हो, उसी स्पीड से चले दो। बट हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना ये ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज ध्यान में रखना कि दूसरों को कंपैरिजन मत करो, दूसरों के कंपैरिजन में आके अपना डिसीजन चेंज मत करो। बट एक और चीज ध्यान में रखना कि जो डिसीजन है, जो गोल है, उस तक बरोबर पहुंचना चाहिए गाड़ी, वो चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना रहता है 2 घंटे में, राइट, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, राइट। उसी प्रकार से आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे को इस दिशा, यहां से मेरे को सीए फाइनल क्लियर करना है, या सीएस क्लियर करना है, सीएमए क्लियर करना है, या सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, जो भी आपको क्लियर करना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई किस स्पीड से, किस गति से मुझे पढ़ना है, और वो गति आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी वो नहीं है तो दिक्कत है, राइट। तो एक और कमिटमेंट आपसे चाहता हूं, आप सभी से, जब भी आप कमिट करते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कमिटमेंट कर दो कि I will maintain my speed and will remain consistent. Comment section में लिख दीजिए I will maintain my speed and remain consistent. अगर आप ये लिखते हो ना तो मुझे बड़ा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से तो कमिटमेंट कर ही रहे हो, ताकि आपको एक अंदर से मोटिवेशन है और आप पूरी दुनिया को बोलते हो कि भाई एक मैं कंसिस्टेंट हूँ, राइट। तो बढ़िया से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे भी बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूरी वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ भैया, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बनाया गया टेलीग्राम ग्रुप। एक विजन है यार, जितने भी सीएस स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सीएमए और सीएस वाले स्टूडेंट हैं, सब तक पहुंचना है, हमारा एक सपना है इस बार। आप मेरा सपना पूरा कीजिए यार, प्लीज़।